हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल हम पढ़ रहे हैं टी वाई बी कॉम का सब्जेक्ट एक्सपोर्ट मार्केटिंग जहां पे आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर टू जिसका नाम है ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर एक्सपोर्ट्स सो यहां पे हम देखते हैं टॉपिक सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से हमें यहाँ देखने हैं इन डिटेल सबसे पहला आने वाला है ट्रेड बैरियर्स ट्रेड बैरियर्स आएगा सबसे पहले तो यहाँ पे हमें टाइप्स uh, देखना है उसमें कि टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर क्या क्या होता है इनके मीनिंग को हमने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है इन चैप्टर वन नेक्स्ट इज़ अभी इन दोनों का हमें डिस्टिंग्विश देखना है टैरिफ़ वर्सेस नॉन टैरिफ बैरियर्स वो हम पढ़ेंगे एंड उसके बाद आने वाला है मेजर इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स जो हमने देखा था लास्ट चैप्टर में थोड़ा मीनिंग अभी यहाँ पे हम उसका डिटेल में पढ़ेंगे uh, सबसे पहले आएगा टाइप्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स कौन कौन से तरह के ग्रुपिंग्स बनते हैं एंड उनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में पढ़ना है उसके बाद आएगा मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स पढ़ेंगे हम कौन कौन से हैं के ये सारा हम पढ़ेंगे एंड उसके बाद थर्ड टॉपिक आएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में उसके ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे फंक्शंस पढ़ेंगे एग्रीमेंट्स ऑफ डब्ल्यू वो देखेंगे ठीक है ट्रिप्स है ट्रिम्स है वगैरह ये सब हम पढ़ने वाले हैं एंड उसके बाद लास्ट टॉपिक आने वाला है ओवरसीज मार्केट सिलेक्शन ना उसमें हमें देखना है ओवरसीज मार्केट रिसर्च देखेंगे नीड देखेंगे उसका मार्केट सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा एंड लास्ट आने वाला है डिटरमिनेंस ऑफ फॉरेन मार्केट सिलेक्शन के डिटरमिनेंस पढ़ेंगे सो ये सारे ही टॉपिक्स चैप्टर नंबर टू में कवर किए गए हैं सो so अभी हम शुरुआत करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेड बैरियर से टाइप्स ऑफ ट्रेड बैरियर से हम शुरुआत करते हैं सो ट्रेड बैरियर के बारे में हमने कुछ पढ़ा था चैप्टर वन में कि बैरियर यानी क्या कुछ प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ेगा या कोई हर्डल्स आने वाले हैं हमें ठीक है उसे हम बैरियर कहेंगे सो so, यहाँ पे ट्रेड बैरियर की बात है कि भाई एक इंसान है एक्सपोर्टर है वो एक्सपोर्ट करना चाहता है आ, सामने वाली कंट्री इम्पोर्ट करिए जो ट्रेडिंग हो रहा है बाइंग एंड सेलिंग हो रही है तो वहाँ पे उन्हें क्या क्या बैरियर फेस करने पड़ते हैं वो बैरियर हम यहाँ पे पढ़ेंगे उसके दो टाइप्स होंगे एक टैरिफ रहेगा एक नॉन टैरिफ रहेगा ठीक है अभी ये जो ट्रेड बैरियर्स लगाए जाते हैं मोस्टली इम्पोर्टिंग कंट्री लगाएगी लेकिन कभी कभी एक्सपोर्टिंग भी लगा सकती है सो so अभी शुरू करते हैं ट्रेड बैरियर्स नाउ ट्रेड बैरियर्स आर रिस्ट्रिक्शंस imposed on movement of goods between countries now trade barriers are imposed not only on import but also on exports theek hai export pe bhi barriers lag sakte hain zaruri nahi hai import ke samay hi lagaye jaye sirf importing country lagaye aisa zaruri nahi hai अब ये barriers क्यों लगाए जाते हैं तो उसके काफ़ी सारे reasons हैं जिसकी वजह से ये trade barriers लगाए जाते हैं ठीक है थीके? so अभी शुरू करते हैं इसके दो टाइप्स है एक रहेगा टैरिफ बैरियर एंड दूसरा रहेगा नॉन टैरिफ बैरियर सो so, अभी हम टैरिफ बैरियर की बात करें सबसे पहले सो so, अभी यहाँ पे सबसे पहले तो उन्होंने आ, हम एक इस चार्ट के जरिए बताया कि ट्रेड बैरियर्स दो तरह के होंगे एक टैरिफ बैरियर एंड दूसरा नॉन टैरिफ टैरिफ में कौन कौन से होंगे स्पेसिफिक ड्यूटी एड वेलोरम सीजनल ड्यूटी एंटी डंपिंग काउंटर वेलिंग ड्यूटी नॉन टेरिफ में आने वाला है प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स कोटास रेगुलेशन स्टेट ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग ब्लॉक्स सो अभी सबसे पहले हम ये बात स्टडी करेंगे टेरिफ बैरियर्स टेरिफ बैरियर्स तो अभी गवर्नमेंट को जो ट्रेड बैरियर्स लगाने हैं सो so वो बैरियर्स वो दो तरीके से लगा सकती है या तो टैरिफ बैरियर या नॉन टैरिफ अभी टैरिफ का मतलब क्या हो जाएगा कि जो भी ड्यूटी लगाई जाएगी टैक्सेस लगाए जाएंगे जब भी प्रोडक्ट इम्पोर्ट होता है या एक्सपोर्ट होता है सो हम उस ड्यूटी या टैक्स को टैरिफ कह सकते हैं ठीक है ये टैरिफ के ज़रिए बैरियर क्रिएट किया जाएगा ट्रेडर्स के ऊपर सो हम उसे कहेंगे टैरिफ बैरियर्स सो so, अभी ये टैरिफ बैरियर्स बहुत अलग अलग टाइप्स के हैं जो हमें पढ़ना है आगे सो टैरिफ इज अ कस्टम ड्यूटी और टैक्स कस्टम ड्यूटी और अ टैक्स ऑन अ प्रोडक्ट दैट मूव अक्रॉस द बॉर्डर्स ठीक है कस्टम ड्यूटी या तो टैक्स के जरिए ये बैरियर लगाया जाएगा नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ टैरिफ बैरियर इज द कस्टम ड्यूटी इम्पोज बाय द इम्पोर्टिंग कंट्री ना अ टैक्स में ऑल्सो भी इम्पोज बाय द एक्सपोर्टिंग कंट्री ऑन इट्स एक्सपोर्ट हावेर गवर्नमेंट्स रिले रेयरली इम्पोर्ट टैरिफ ऑन एक्सपोर्ट बिकॉज कंट्रीज वॉन्ट टू सेल एज मच एज पॉसिबल टू अदर कंट्रीज मोस्टली ज़्यादा करके टैरिफ बैरियर इंपोर्टिंग कंट्री ही लगाएगी इम्पोर्ट पर ही लगाएगी लेकिन कभी कभार कोई सिचुएशन ऐसी हो गई तो एक्सपोर्ट पे लगाया जाएगा बैरियर वरना गवर्नमेंट नहीं लगाएगी गवर्नमेंट हमेशा क्या चाहेगी कि एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा होता रहे ना एक्सपोर्ट होगा तो क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में आएगा हम गवर्नमेंट उसे यूज़ कर पाएगी अलग अलग पर्पज़िस के लिए जबकि इम्पोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो क्या होना है उतना फॉरेन करेंसी पे करना पड़ेगा सो गवर्नमेंट क्या करेगी एक्सपोर्ट से एक्सपोर्ट पे ज़्यादा बैरियर लगाना नहीं चाहेगी वो इम्पोर्ट पे ही लगाएगी नाउ द मेन इम्पॉर्टेंट टेरिफ बैरियर्स आर एस फॉलोस ठीक है कौन कौन से तरीकों से टेरिफ बैरियर लगाए जाएंगे सो so, सबसे पहला आने वाला है स्पेसिफिक ड्यूटी स्पेसिफिक ड्यूटी स्पेसिफिक कर दी है कुछ चीज़ें अभी ये स्पेसिफिक ड्यूटी कौन से प्रोडक्ट पे लगेगी ऐसे प्रोडक्ट जिनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से हम मेजर कर सकें ठीक है जैसे हम फ्रूट्स की बात करें सो so हम अच्छे से मेज़र कर सकते हैं कि भाई कितने के फ्रूट इंपोर्ट किया गया है मेजर करके स्पेसिफिक ड्यूटी लगाई जाएगी हम कहें कि पर के इतना स्पेसिफिक uh, ड्यूटी लगाना है सो so उतना केजी के के ऊपर ड्यूटी लगती जाएगी ठीक है वो स्पेसिफिक ड्यूटी हो गया सो स्पेसिफिक ड्यूटी इज बेस्ड ऑन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ़ गुड्स ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है स्पेसिफिक ड्यूटी कैसे लगेगा ठीक है बेस्ड ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स वेन अ फिक्सड सम ऑफ मनी कीपिंग इन व्यू द वेट ऑन मेजरमेंट ऑफ कमोडिटी इज लेविड एज टेरिफ इट इज नोन एज स्पेसिफिक ड्यूटी ठीक है हम ऐसा कहें कि भाई फ्रूट्स uh, uh, की बात करें सो so, हम कहें कि पर के जी इम्पोर्ट अगर हो रहा है तो पर के जी इतना स्पेसिफिक ड्यूटी लगेगा 500 लगेगा ठीक है फाइव हंड्रेड लगेगा सो वो फिक्स्ड हो गया है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे हम मेजर कर सकते हैं एंड फिक्स्ड सम ऑफ मनी ड्यूटी लगाया गया सो दैट इज़ स्पेसिफिक ड्यूटी अभी यहाँ पे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल दिया है फॉर इंस्टेंस फिक्सड समिकोर्ट ड्यूटी मे बी लेविड ऑन द इम्पोर्ट ऑफ एवरी बैरल ऑफ ऑइल इस्पेक्टिव ऑफ़ क्वालिटी एंड वैल्यू इट डिसक्रेज चीप इम्पोर्ट ठीक है यहाँ पर क्या उन लोगों ने एग्जाम्पल दिया है कि एवरी बैरल ऑफ ऑइल पर स्पेसिफिक ड्यूटी लगाया जाएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ क्वालिटी एंड वैल्यू उसकी क्वालिटी क्या है वैल्यू क्या है वो सब देखना ही नहीं है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे एंड एवरी बैरल ऑफ ऑयल पे ड्यूटी लगती गई सो so ये हो गया स्पेसिफिक ड्यूटी स्पेसिफिक ड्यूटीज़ आर ईजी टू एडमिनिस्टर एज दे डू नॉट इन्वॉल्व प्रॉब्लम ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स देखने की ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत ही नहीं है हम देखेंगे कि क्वांटिटी कितना आया है उसके बेसिस पे स्पेसिफिक ड्यूटी लग जाएगा सो so ये बात हो गई स्पेसिफिक ड्यूटीज़ की नाउ नेक्स्ट इज़ एड वेलोरम ड्यूटी एड वेलोरम ड्यूटी ये लगेगी ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू यहाँ पे प्रोडक्ट की वैल्यू को देख के उसके ऊपर ड्यूटी लगाया जाएगा सो so, यहाँ पे प्रोडक्ट के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को नहीं देखा जाएगा वैल्यू देख के ड्यूटी लगेगी सो द वर्ड एट वेलोरम कम्स फ्रॉम लेटिन विच मीन्स अकॉर्डिंग टू वैल्यू देर फॉर एट वेलोरम ड्यूटीज़ आर इम्पोज अकॉर्डिंग टू वैल्यू ज ऑफ वैल्यू अभी ये कैसे लगेगा देखो फिक्स वैल्यू ऑफ अ कमोडिटीडी इट इग्नोर्स देशन ऑफ वेट साइज और वॉल्यूम ऑफ कमोडिटी जैसे प्रीवियस हमने स्पेसिफिक में कैसे देखा कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाते हैं कि चलो पर के जी फ्रूट है तो पर केजी के जी के ऊपर इतना ड्यूटी uh, लगेगा फिक्स हो गया अभी यहाँ पे वैसे नहीं है वैल्यू देखा जाएगा प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है एंड उसके ऊपर फिक्स परसेंटेज लगेगा ड्यूटी न द इम्पोजिशन ऑफ एडवेलोरम ड्यूटी इज मोर जस्टिफाइड इन केस ऑफ दोज गुड्स हुज हुज वैल्यू की नॉट बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अभी जैसे हमने फ्रूट की बात की सो so उसे हम मेजर uh, कर सकते हैं सो so, उस पर हमने स्पेसिफिक ड्यूटी हम लगा सकते हैं लेकिन यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे कौन से प्रोडक्ट आने वाले हैं जिसको हम फिजिकली मेजर नहीं कर सकते ठीक है जहाँ पे हम यहाँ पे हमें वैल्यू देखना होगा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि एज कॉस्टली वर्क्स ऑफ आर्ट रेयर मैनूस्क्रिप्ट एक्सेट्रा ठीक है अभी ये वर्क ऑफ आर्ट है तो वहाँ पे हम उसका वज़न नहीं देखने जाएंगे कि उसका वज़न क्या है नहीं वहाँ पे हमें उसकी वैल्यू देखनी है कि वैल्यू कितनी है और उसके ऊपर फिक्स परसेंटेज ऑफ ड्यूटी लग जाएगा सो so, ये हो गया हमारा एड वेलोरम ड्यूटी ना नेक्स्ट इज कम्बाइंड और कंपाउंड ड्यूटी कंबाइंड और कंपाउंड ड्यूटी अभी ये दोनों का मिक्स है ऊपर जो हमने देखा स्पेसिफिक ड्यूटी एंड एड वेलोरम ड्यूटी यहाँ पे दोनों को मिक्स किया गया है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ड्यूटी एंड एड वेलोरम ड्यूटी ऑन अ सिंगल प्रोडक्ट फॉर इंस्टेंस देर कैन बी कम्बाइंड ड्यूटी वैन टेन परसेंट ऑफ वैल्यू एड वेलोरम एंड रुपी वन ऑन एवरी मीटर ऑफ क्लोथ इज चार्ज एज ड्यूटी ठीक है दोनों तरीके से हमने ड्यूटी लगाई यहाँ पे वैल्यू के ऊपर टेन परसेंट लगा दी एंड रुपी वन ऑन एवरी मीटर ठीक है मतलब कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देख के भी हम लगा रहे हैं टैरिफ एंड दूसरा हम क्या कर रहे हैं उसकी वैल्यू देख के भी हम उसके ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं ठीक है थीके? सो ये हो गया हमारा कंबाइंड और कंपाउंड ड्यूटी जो ऊपर के जो दो हमने ड्यूटी देखे दोनों का कॉम्बिनेशन है ठीक है नाउ नेक्स्ट वन इज स्लाइडिंग स्केल और सीजनल ड्यूटी स्लाइडिंग स्केल और सीजनल ड्यूटी अभी ये कौन से प्रोडक्ट्स पे लगेगा ऐसे प्रोडक्ट्स जो मोस्टली सीजनल है जैसे हम फ्रूट्स की ही बात करें ठीक है मैंगोज की बात करें सो सीजनल प्रोडक्ट है वो ठीक है तो उस पर इस यहाँ पे सीजनल ड्यूटी लग सकता है या हम कहें स्लाइडिंग स्केल ड्यूटी लग सकता है सो द इम्पोर्ट ड्यूटीज विच वेरी विद द प्राइजिस ऑफ कमोडिटीज आर कॉल्ड स्लाइडिंग स्केल और सीजनल ड्यूटीज यहाँ पे क्या हो रहा है इम्पोर्ट ड्यूटीज विच वेरी चेंज हो रही है ठीक है ऊपर जो हमने देखा था वहाँ पे फिक्स्ड हो रहा था कि चलो वैल्यू पे इतना परसेंट ड्यूटी लगाना है या तो फिर आ, हमने देखा था स्पेसिफिक ड्यूटी पे कि मेजरमेंट करके या पर केजी इतना ड्यूटी लग रहा था हमने एग्जाम्पल देखा था तो अभी यहाँ पे वैसा नहीं होगा इंपोर्ट ड्यूटी चेंज होता रहेगा विद द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज आर कॉल्ड स्लाइडिंग स्केल और सीजनल ड्यूटी जो भी प्रोडक्ट इंपोर्ट किया गया है उसके प्राइस को देखा जाएगा एंड उसके अकॉर्डिंगली ड्यूटी चेंज होगा ना द पर्पज़ ऑफ स्लाइडिंग ड्यूटी इज टू स्टेबिलाइज प्राइजिज प्राइज को स्टेबिलाइज करने का पर्पज़ है इस ड्यू दु, इस ड्यूटी को लगाने के पीछे ना इफ़ द प्राइज राइज द ड्यूटी विल बी लोअर एंड इफ़ द प्राइज फॉल्स द ड्यूटी विल बी हायर ठीक है क्या किया जा रहा है प्राइज बढ़ गई है प्रोडक्ट की सो so, क्या किया जाएगा ड्यूटी विल बी लोअर प्रोडक्ट पे ड्यूटी कम लगाई जाएगी एंड इफ़ द प्राइस फॉल्स ड्यूटी विल बी हायर हिस्टोरिकली दिस ड्यूटीज़ आर कन्फाइंड टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एज देयर प्राइजेज फ्रीक्वेंटली वेरी मोस्टली ड्यू टू नेचुरल फैक्टर्स ठीक है ज़्यादा करके इस ड्यूटी के अंडर एग्रीकल्चरल uh, प्रोडक्ट्स ही आते हैं सो so, ये हो गया हमारा सीजनल ड्यूटी नाउ नेक्स्ट वन इज काउंटर वेलिंग ड्यूटी काउंटर वेलिंग ड्यूटी अभी देखिए कुछ कुछ कंट्रीज क्या करती है को, कोई भी कंट्री हो वो चाहेगी कि उसके कंट्री का एक्सपोर्ट हमेशा बढ़ता रहे ठीक है कंट्रीज यही चाहेगी सो so, वो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है एक्सपोर्टर्स को हेल्प करती है ठीक है वो हेल्प वो सब्सिडीज़ के जरिए भी कर सकती है फाइनेंश सब्सिडीज़ यानी फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी एक्सपोर्टर को ताकि एक्सपोर्टर मोटिवेट होते रहे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए ठीक है so, सो अभी एक्सपोर्टर्स तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं कर रहे हैं क्या हो रहा है एक्सपोर्टर को सब्सिडी मिल रही है सो so वो कम प्राइस में भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे जैसे हम हमारे इंडिया की बात करें तो so हमारे इंडियन एक्सपोर्टर को सब्सिडी मिली है तो हम मान लो फ्रूट फु, फु, को एक्सपोर्ट कर रहे हैं सो so, हम अच्छे खासे लोअर प्राइस पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं ठीक है थीके? अभी इम्पोर्टिंग कंट्री क्या करेगी उसने वहाँ के बिजनेसिस को भी प्रोटेक्ट करना है ठीक है सो वो क्या करेगी वहाँ पे काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाएगी ठीक है काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाएगी क्यों लगाएगी हमें जो सब्सिडी मिल रही थी उसका इफेक्ट हटाएगी वो उस ड्यूटी को लगा के ताकि उस प्रोडक्ट के प्राइस वहाँ पे हाई हो जाए इंपोर्ट जहाँ पे हुआ है वहाँ पे प्राइसेस हाई हो जाए हमारे प्रोडक्ट के सो इट इज़ इम्पोज ऑन सर्टेन इंपोर्ट्स विच आर सब्सिडाइज बाय द एक्सपोर्टिंग कंट्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडी इम्पोर्ट्स बिकम चीपर दैन डोमेस्टिक गुड्स टू नलीफाई द इफेक्ट्स ऑफ सब्सिडी दिस ड्यूटी इज इम्पोज इन एडिशन टू नॉर्मल ड्यूटीज से फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री का कोई एक्सपोर्टर है फ्रूट्स एक्सपोर्ट कर रहा है यूएस में कर रहा है हमें तो यहाँ पे सब्सिडी मिल गई हम तो लोअर प्राइस पे करेंगे वहाँ पे एक्सपोर्ट ठीक है वहाँ पर क्या हो गया अगर कम प्राइस पे गुड्स बिकने लगा जो उन लोगों ने इंपोर्ट किया है तो वहाँ के डोमेस्टिक जो बिजनेसेस चल रहे हैं फिर वो तो कोई लेगा ही नहीं ना वहाँ से प्रोडक्ट तो वहाँ की गवर्नमेंट क्या करेगी काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा देगी ठीक है हमारे प्रोडक्ट्स पे ताकि हमारे प्रोडक्ट के भी भाव वहाँ पे बढ़ जाए ठीक है इंपोर्ट करना वहाँ पे कॉस्टली हो जाए सो क्या होगा उनके डोमेस्टिक बिजनेस वहाँ पे प्रोटेक्ट हो जाएंगे सो ये हो गया काउंटर वेलिंग ड्यूटी नाउ नेक्स्ट वन इज़ रेवेन्यू टैरिफ रेवेन्यू टैरिफ ठीक है रेवेन्यू यानी क्या इनकम अभी ये रेवेन्यू टैरिफ कौन लगाएगा गवर्नमेंट ही लगाएगी रेवेन्यू इनकम अर्न करने के पर्पज से गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए हमेशा ये नहीं लगेगा रेवेन्यू टैरिफ जब ही गवर्नमेंट को ज़रूरत है उस समय रेवेन्यू टैरिफ लगाया जाएगा सो टैरिफ विच इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड मेनली रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू टैरिफ ठीक है गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए ज़रूरत है उस समय रेवेन्यू टैरिफ लगाया जाएगा न जनरली अ टैरिफ इज़ इम्पोज विद अ व्यू ऑफ अर्निंग रेवेन्यू बाय इम्पोजिंग ड्यूटी ऑन कंज्यूमर गुड्स पर्टिकुलरली ऑन लग्जरी गुड्स हुज डिमांड फ्रॉम रिच इज इन इलास्टिक इन इलास्टिक यानी कि फिक्स डिमांड है कैसे प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट ये रेवेन्यू टैरिफ लगाएगी ऐसे प्रोडक्ट जो रिच क्लास पीपल यूज़ कर रहे हैं और जिसकी डिमांड इनिलास्टिक है अभी हम कहें कि कुछ ऐसे मोबाइल्स हैं या व्हीकल्स हैं जिनकी डिमांड वो लोग करने ही वाले हैं ठीक है थीके? ये जो रिच क्लास पीपल है वो उसे यूज़ करने ही वाले हैं उतने प्रोडक्ट तो इम्पोर्ट होते ही हैं हमारी कंट्री में सो so, वैसे प्रोडक्ट पे रेवेन्यू टैरिफ लगाया जाएगा सो so, क्या हो रहा है यहाँ पे गवर्नमेंट की इनकम हो रही है ठीक है तो so, ये हो गया रिवेन्यू टैरिफ ना नेक्स्ट वन इज एंटी डंपिंग ड्यूटी एंटी डंपिंग ड्यूटी अब ये एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है कि हम कहे अभी वही फ्रूट वाला एग्जाम्पल हम कंटिन्यू करते हैं। so, सो हमारी कंट्री का एक्सपोर्टर है फ्रूट्स एक्सपोर्ट कर रहा है मान लो अभी वो एक्सपोर्ट वो बहुत कम प्राइस में कर रहा है बहुत कम प्राइस में एक्सपोर्ट कर रहा है ठीक है सो इंपोर्टिंग कंट्री के लिए तो बहुत चीप प्राइस में वो प्रोडक्ट मिल रहा है उसे सो so, वहाँ पे क्या होगा डोमेस्टिक बिजनेसेस अफेक्ट हो जाएंगे सो so, इसीलिए अभी वहाँ की गवर्नमेंट क्या करेगी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगी हमारे प्रोडक्ट पे हमारे प्रोडक्ट पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लग गई सो प्रोडक्ट महंगा हो गया उनकी कंट्री में सो डोमेस्टिक बिजनेस वहाँ पे प्रोटेक्ट हो जाएंगे ठीक है ऐसा नहीं होगा कि सारे ही कस्टमर्स फिर इंपोर्ट किया हुआ प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं डोमेस्टिक लेवल पे भी वहाँ पे बाइंग होता रहेगा सो so, इसी परपज से एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया जाता है नाउ एट टाइम्स एक्सपोर्टर्स अटैम्प टू कैप्चर फॉरिन मार्केट बाय सेलिंग गुड्स एट रॉक बॉटम प्राइजि सच प्राइज प्रैक्टिस इज कॉल्ड डंपिंग एज अ रिजल्ट ऑफ डंपिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कम्पेयर विद इम्पोर्टेड जैसे हम चाइना प्रोडक्ट्स की बात करें सो क्या होगा वो प्रोडक्ट हमें कम रेट पर मिल जाते हैं ठीक है कम्पेर्ड टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट सो लोग क्या करेंगे उसे ही खरीदना चाहेंगे सो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज अफेक्ट हो रही है तो भाई डोमेस्टिक बिजनेसिस को बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी एंटी डम्पिंग ड्यूटी लगाएगी डंपिंग किसे कहेंगे कि कम प्राइस में एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट export करके मार्केट कवर करना चाहते हैं उसे हम डंपिंग कहेंगे तो ये चीज़ गवर्नमेंट रोकना चाहेगी सो so, वो क्या करेगी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगी सो so, ये हो गया एंटी डंपिंग ड्यूटी नाउ नेक्स्ट वन इज़ प्रोटेक्टिव टैरिफ प्रोटेक्टिव टैरिफ इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्राम स्टिफ कॉम्पिटिशन ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स प्रोटेक्टिव टेरफ इज लेविड ऑन द इम्पोर्ट्स ठीक है हमारी कंट्री की हम बात करें सो so अभी हम कोई भी प्रोडक्ट ले लें ठीक है टेक्सटाइल प्रोडक्ट ले लें ले, या लेदर प्रोडक्ट है या व्हीकल्स है या तो वो सारे प्रोडक्ट में अगर ऐसे हो रहा है कि आ, मार्केट में इम्पोर्टेड गुड्स ही ज़्यादा चल रहे हैं तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो कोई खरीदेगा ही नहीं वो इंडस्ट्रीज धीरे धीरे बंद हो जाएगी क्योंकि उनका माल बिक नहीं रहा है वो लॉस में जा रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या करेगी डोमेस्टिक बिजनेसिस को बचाने के लिए प्रोटेक्टिव टैरिफ लगा देगी ठीक है जो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट हो रहे हैं उसके ऊपर प्रोटेक्टिव टैरिफ लग जाएगा ताकि वो प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे मार्केट में सो तो हमारी कंट हमारी डोमेस्टिक बिजनेसिस इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के साथ कॉम्पीट कर पाएंगे

ठीक है अभी नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स की नॉन टैरिफ बैरियर्स यानी कि टेरिफ बैरियर्स में क्या हो रहा था ड्यूटी या टैक्सेस लगा के बैरियर्स क्रिएट किए जा रहे थे अभी यहाँ पे ड्यूटीज या टैक्सेस नहीं लगाना है अदर देन दैट कुछ और किया जाएगा कोटाज रखे जाएंगे प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे ठीक है इम्पोर्टिंग कंट्री ये सारी चीज़ें करेगी ताकि वो इम्पोर्ट को कुछ हद तक रोक सके ठीक है स्टॉप कर सके सो so, यहाँ पे आएगा नॉन टैरिफ बैरियर्स अ नॉन टैरिफ बैरियर इज एनी बैरियर अदर देन टैरिफ दैट रेजेज एन ऑब्स्टेकल टू फ्री फ्लो ऑफ गुड्स इन द ओवरसीज मार्केट नॉन टैरिफ बैरियर्स डू नॉट अफेक्ट द प्राइस ऑफ द इम्पोर्टेड गुड्स बट ऑनली द क्वान्टिटी ऑफ इम्पोर्ट्स सम ऑफ द इम्पोर्टेंट नॉन टैरिफ बैरियर्स आर एज फॉलोज ठीक है टैरिफ बैरियर की जब भी हम बात कर रहे थे तो प्रोडक्ट के प्राइजिस अफेक्ट हो रहे थे जो हमने स्पेसिफिक ड्यूटी देखा उसके बाद एड वेलोरम देखा या फिर प्रोटेक्टिव टैरिफ देखा ठीक है रेवेन्यू टैरिफ एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या हो रहा था प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर ड्यूटी लग रही थी सो so, प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो रही थी अभी यहाँ पे क्या होगा प्रोडक्ट के प्राइस से इसे कोई लेना देना नहीं है ठीक है उसके सिवाय नॉन टैरिफ बैरियर क्रिएट करके इंपोर्ट को कंट्रोल किया जाएगा सो नाउ सबसे पहला है कोटा सिस्टम कोटा सिस्टम अडॉप्ट करेगी गवर्नमेंट ठीक है क्या होगा इम्पोर्टिंग कंट्री कोटास डिसाइड कर लेगी कि भाई इतना ही इंपोर्ट होना चाहिए पर्टिकुलर प्रोडक्ट का हमारे कंट्री में उस तरीके से कोटास डिसाइड किए जाएंगे सो ये है कोटा सिस्टम एंड दिस सिस्टम अ कंट्री में फिक्स इन एडवांस पहले से ही डिसाइड कर लेगी ऑफकोर्स पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा बाद में तो हम नहीं सोच सकते इम्पोर्ट होने के बाद कि इतना इम्पोर्ट करना चाहिए था एडवांस में ही डिसाइड किया जाएगा द लिमिट ऑफ द इम्पोर्ट क्वान्टिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट वुड बी परमिटेड फॉर इम्पोर्ट फ्रॉम वेरियस कंट्रीज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ठीक है जैसे हम कहें कि हम ज्वेलरी की बात करें तो कंट्री पहले से ही डिसाइड कर लेगी कि भाई इतना ही ज्वेलरी इतने पीरियड के लिए हमारी कंट्री में इंपोर्ट होना चाहिए पहले से ही सोच लिया द को कोटा सिस्टम कैन भी डिवाइडेड इन टू फॉलोइंग कैटेगरीज अभी इस कोटा सिस्टम को चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है सबसे पहला आता है टैरिफ कस्टम कोटा उसके बाद है हमारा यूनी कोटा बाई कोटा एंड मल्टी कोटा ठीक है सो ये चार टाइप्स देखते हैं सबसे पहला है टैरिफ और कस्टम्स कोटा यहाँ पे क्या होना है सर्टन स्पेसिफाइड क्वान्टिटी ऑफ इम्पोर्ट्स इज अलाउड एट ड्यूटी फ्री और एट रिड्यूस रेट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी Additional imports beyond the specified quantity are permitted only at increased rate of duty। कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? कुछ जो limit हमने decide की थी, कि भाई इतना quantity import होगा यहाँ तक, वो without duty होगा, या फिर reduced रेट मान लो हमने 5% लगाया है, तो हम डिसाइड करेंगे कि इतनी quantity 5% के रेट फाइव परसेंट ड्यूटी लगेगी इतने क्वांटिटी पे ठीक है उसके बियॉन्ड अगर तुम करना चाहते हो इंपोर्ट तो तुम्हें ज़्यादा ड्यूटी पे करने करना पड़ेगा लैसे टेन परसेंट या फिफ्टी परसेंट हाई ड्यूटी पे करके इंपोर्ट करना पड़ेगा तो यहाँ पे हमने एक लिमिट डिसाइड कर लिया सो so उसे हम कहेंगे टैरिफ और कस्टम्स कोटा नेक्स्ट इज़ यूनीटरल कोटा वॉट इज़ यूनीट्रल कोटा तो कंट्री खुद से ही डिसाइड कर लेगी कि हमारी कंट्री में इतना ही गुड्स इंपोर्ट होगा जैसे हम हमारे इंडिया की बात करें सो so कोई प्रोडक्ट है जैसे हम कहें कि व्हीकल्स है तो वहाँ पे हम क्वांटिटी डिसाइड कर लेंगे हम हमारी कंट्री के लिए लिमिट सेट कर लेंगे कि इतनी ही क्वांटिटी इंपोर्ट होगी कोटा डिसाइड कर लिया हम किसी से बात करने नहीं जाएंगे दूसरी कंट्री से हमने डिसाइड कर लिया हमारी कंट्री में इतना ही इम्पोर्ट होना है दैट इज़ यूनिट्रल कोटा ठीक है टोटल इम्पोर्ट क्वान्टिटी इज़ फिक्सड विदाउट प्रायर कंसल्टेसन विथ एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है हमारी कंट्री में वो हम नहीं देखेंगे किसी से हम बात नहीं करेंगे हमने ही डिसाइड कर लिया ना नेक्स्ट इज बायोलेट्रल कोटा अभी यहाँ पर क्या होगा इम्पोर्टिंग कंट्री एक्सपोर्टिंग कंट्री से बात करके फिर कोटा डिसाइड करेगी बायोलेट्रल कोटा इन दिस केस कोटाज आर फिक्स आफ्टर नेगोसिएशन नेगोसिएशन होगा बिटवीन द कोटा फिक्सिंग इंपोर्टिंग कंट्री एंड एक्सपोर्टिंग कंट्री ठीक है जैसे हम यू से हमारी कंट्री में कुछ इम्पोर्ट हो रहा है सो so हम यू के साथ नेगोसिएशन करेंगे हमारी कंट्री वहाँ नेगोसिएशन करेगी उसके बाद कोटा डिसाइड किया जाएगा दैट इज़ बायो कोटा नेक्स्ट इज़ मल्टी कोटा सो so, यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे दो कंट्रीज़ थी यहाँ पे ग्रुप ऑफ कंट्रीज होगा दो से ज़्यादा कंट्रीज़ है जो आपस में डिसाइड करेगी कितना कोटा रखना है ठीक है अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ कैन कम टुगेदर एंड फिक्स कोटाज फॉर एक्सपोर्ट्स एज वेल एज इम्पोर्ट्स फॉर ईच कंट्री ग्रुप में जितनी भी कंट्रीज है सबके लिए इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कोटास डिसाइड किया जाएगा ठीक है चलिए तो यहाँ पे हमने देख लिया कि कोटा के जरिए कैसे कंट्रीज़ है वो इंपोर्ट को कंट्रोल करती है कोटा सिस्टम नाउ नेक्स्ट वन इज नॉन टैरिफ बैरियर के अंदर सेकेंड इज प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स प्रोडक्ट स्टैंडर्ड अभी क्या होगा कोई भी कंट्री है वो क्या करेगी प्रोडक्ट के लिए स्टैंडर्ड डिसाइड कर लेगी कि भाई इसी स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट इंपोर्ट होना चाहिए हमारी कंट्री में अगर प्रोडक्ट हमारे स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर रहा है तो हम प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देंगे ठीक है जैसे हम टेलीविज़न की बात करें सो so, हम कहे कि हमारी कंट्री कहीं हम कहे कि जर्मनी में या यूएस में कहीं पे टेलीविज़न एक्सपोर्ट कर रही है अब क्या होगा वहाँ पे प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड डिसाइड किया हुआ है सो so, उस स्टैंडर्ड से हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी मैच नहीं हो रही है तो हमारा प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाएगा ठीक है थीके? हम वहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते तो ये प्रोडक्ट स्टैंडर्ड लगा के भी कंट्रीज़ क्या कर सकती है इंपोर्ट को कंट्रोल कर सकती है नाउ मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इम्पोज प्रोडक्ट स्टैंडर्ड फॉर इम्पोर्टेड आइटम्स इफ द इम्पोर्टेड आइटम्स डू नॉट कन्फॉर्म टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्स द इम्पोर्ट्स आर नॉट अलाउड फॉर इंस्टेंस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स मस्ट कंफॉर्म टू फार्मासपिया स्टैंडर्ड्स देखिए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में भी स्टैंडर्ड्स मैच होने चाहिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स है जिनके लिए स्टैंडर्ड सेट किए हुए होते हैं इम्पोर्टिंग कंट्रीज़ में सो वहाँ पर स्टैंडर्ड्स के साथ प्रोडक्ट मैच होना चाहिए सोनाओ नेक्स्ट ये तो प्रोडक्ट स्टैंडर्ड की बात हो गई नेक्स्ट इज़ डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट अभी ये क्या है कि कोई बिजनेस है उसके ऊपर ऐसी कंडीशन लगाई जाएगी कि तुम प्रोडक्ट बना रहे हो तो तुम्हें उसके कंटेंट यानी कि उसके लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो प्रोडक्ट बनाने के लिए उसे तुम्हें डोमेस्टिक बिजनेस uh, से ही खरीदना पड़ेगा जैसे हम टेलीविजन uh, का ही एग्जांपल ले रहे थे सो so क्या होगा कोई भी कंट्री है वो क्या करेगी उसके बिज़नेस पे ऐसे कंडीशन लगाएगी कि तुम टेलीविज़न बना रहे हो तो उसके लिए जो भी पार्ट्स चाहिए वगैरह वो तुम्हें अपनी ही कंट्री से ख़रीदना पड़ेगा तुम इम्पोर्ट नहीं कर सकते ठीक है सो डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट ना गवर्नमेंट इम्पोज डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट टू बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्यों करेगी गवर्नमेंट ऐसा उसकी ही कंट्रीज के बिजनेसिस को बढ़ाने के लिए करेगी ना फॉर इंस्टेंस इन यू एस बेल आउट पैकेज टू बेल आउट जनरल मोटर्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन द यू एस गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस बाई अमेरिकन क्लॉज विच मीन्स यू एस फॉर्म्स दैट रिसीव बेल आउट पैकेज मस्ट परचेज डोमेस्टिक कंटेंट रादर देन इम्पोर्ट फ्राम एल्सवेयर ये जो बेल आउट पैकेज है वो हमने लास्ट चैप्टर चेप, नंबर वन में पढ़ा था कि यू एस में जब रिसेशन टाइम आया था तो वहाँ से बाहर निकलने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इनिशियेटिवस लिए थे तो उसमें ये एक था बेल आउट पैकेज कि जो बिजनेसिस ये बेल आउट पैकेज लेते हैं तो उस बेनिफिट लेते इसका तो उसके अंदर एक क्लॉज रखा गया था बाय अमेरिकन क्लॉज उसमें क्या था कि बिज़नेस इसको क्या करना है डोमेस्टिक कंटेंट ही यूज़ करने हैं उनके प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए वो इंपोर्ट नहीं कर सकते इंपोर्टेड कंटेंट्स या रॉ uh, मटेरियल या जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो इम्पोर्टेड नहीं होनी चाहिए सो so, ये हो गया डोमेस्टिक कॉन्टेंट रिक्वायरमेंट क्लाज इसके ज़रिए भी इम्पोर्ट को कंट्रोल किया जाएगा नाउ नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट लेबलिंग प्रोडक्ट लेबलिंग वॉट इज़ प्रोडक्ट लेबलिंग प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्ट का नाम लिखा रहता है मैन्युफैक्चरर का नाम कहाँ पे बना है सारे ही डिटेल होती है प्रोडक्ट लेबलिंग हम कहेंगे अभी कोई कोई कंट्रीज क्या करती है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रखती है प्रोडक्ट लेबलिंग के लिए सो so, ये चीज़ भी कुछ हद तक इम्पोर्ट को कंट्रोल कर सकती है सर्टेन नेशंस इंसिस्ट ऑन स्पेसिफिक लेबलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर इंस्टेंस फॉर इंस्टेंस द यूरोपियन यूनियन इंसिस्ट ऑन प्रोडक्ट लेबलिंग इन मेजर लैंग्वेज स्पोकन इन यूरोपियन यूनियन अभी यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने क्या कहा हमारी कंट्रीज़ में आपको एक्सपोर्ट करना है तो लेबलिंग के लिए एक कंडीशन है क्या कंडीशन के है कि हमारे यहाँ पे जो मेजर लैंग्वेजेस बोली जाती है ठीक है जैसे ग्रीक है स्पेनिश है इंग्लिश है काफ़ी सारी बहुत सारी लैंग्वेजेस है जो मेजर लैंग्वेजेस है उसमें आपको प्रोडक्ट लेबलिंग करना होगा ये कंडीशन रखी गई सो सच फॉर्मेलिटीज़ क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द एक्सपोर्टर तभी यहाँ के जो एक्सपोर्टर्स है तो वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाए कि जहाँ जाने दो वहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं करना है ठीक है नाउ नेक्स्ट इज पैकेजिंग रिक्वायरमेंट लेबलिंग रिक्वायरमेंट सी वैसे ही पैकेजिंग रिक्वायरमेंट भी हो सकती है स्पेसिफिक इम्पोर्टिंग कंट्री बोलेगी कि भाई हमें प्रोडक्ट का पैकेजिंग इस तरीके से ही चाहिए पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली वो लोग बताएंगे वैसे ही सो so वो चीज़ भी इम्पो एक्सपोर्टर्स को डिमोटिवेट करती है ना सर्टन नेशंस इंसिस्ट ऑन पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैकेजिंग मटीरियल्स फॉर इंस्टेंस यूरोपियन यूनियन इंसिस्ट ऑन रीसाइकलेबल पैकेजिंग मटीरियल अदरवाइज द इम्पोर्टेड गुड्स मे बी रिजेक्टेड उन लोगों ने क्या बोला है कि रिसाइकलेबल पैकेजिंग मटीरियल ही होना चाहिए नहीं तो आपका गुड्स रिजेक्ट हो जाएगा सो so, क्या होगा एक्सपोर्टर के अगर उन्हें मर्जी है तो ही वो एक्सपोर्ट करेंगे नहीं तो अगर नहीं उन्हें परवड़ता है कॉस्ट वगैरह ज़्यादा हो रही है पैकिंग की तो वो नहीं भी करेंगे एक्सपोर्ट ठीक है ऊपर से ये भी डर लगेगा ना कि उनके रिक्वायरमेंट से मैच नहीं हुआ तो हमारा तो गुड्स रिजेक्ट हो जाएगा सो so, ये चीज भी इंपोर्ट कंट्रोल करती है पैकेजिंग रिक्वायरमेंट नाउ नेक्स्ट वन इज नॉन टैरिफ बैरियर में नेक्स्ट इज कंस्यूलर फॉर्मेलिटीज कंस्यूलर फॉर्मेलिटीज नाउ अ नंबर ऑफ इम्पोर्टिंग कंट्रीज डिमांड दैट द शिपिंग डॉक्यूमेंट्स शुड इंक्लूड कंसीुलर इन सर्टिफाइड बाय देयर कॉन्सुलेट स्टेशन इन द एक्सपोर्टिंग कंट्री अब यहाँ पे क्या है कि एक इम्पोर्टिंग कंट्री है एक्सपोर्टिंग ठीक है ए कंट्री है वो एक्सपोर्ट कर रही है बी कंट्री है वो इम्पोर्ट कर रही है ठीक है अभी बी कंट्री क्या बोलेगी कि आपकी जो कंट्री है ए कंट्री वहाँ पे हमारा कॉन्सुलर इन सर्टिफाइड होना चाहिए हमारे ही कौंसुलेट के ज़रिए ठीक है यानी कि बी कंट्री का कॉन्सुलेट ऑफिस है ए कंट्री में एक्सपोर्टिंग कंट्री में वहाँ से हमारा कॉन्सुलर इनवॉइस सर्टिफाइड हो जाना चाहिए तभी ही हम इम्पोर्ट करेंगे सो कॉन्सुलर फॉर्मेलिटीज़ आ गई ठीक है तो ये भी फॉर्मेलिटीज़ करना एक्सपोर्टर मना कर सकता है कि नहीं करना है एक्सपोर्ट जाने दो सो कॉन्जूलर फॉर्मेलिटीज़ नेक्स्ट वन इज स्टेट ट्रेडिंग स्टेट ट्रेडिंग

नहीं कर सकते ट्रांजेक्शन ठीक है यहाँ का इम्पोर्टर है हमारे इंडिया का और यू में एक्सपोर्टर है सो so, वहाँ पे डायरेक्टली ट्रांजेक्शन नहीं होगा दोनों के बीच में बिज़नेस डील डायरेक्टली नहीं होगी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जो कैनलाइजिंग एजेंसीज के ज़रिए करने पड़ेंगे सो so, इस वजह से भी एक्सपोर्टर या इम्पोर्टर बिजनेस करना नहीं चाहते नाउ नेक्स्ट वन इज प्रेफरेंशियल अरेंजमेंट्स दैट इज ट्रेडिंग ब्लॉक्स ट्रेडिंग ब्लॉक्स ये ट्रेडिंग ब्लॉक्स के बारे में हमने कुछ थोड़ा पढ़ा था कि वॉट इज ट्रेडिंग ब्लॉक्स उसका मतलब है कुछ कंट्रीज मिल के ग्रुप बना देगी ठीक है और ग्रुप बना के वो क्या करेगी उनके जो मेम्बर कंट्रीज है उनमें वो बैरियर्स जो लगते हैं वो हटा देंगी ठीक है जो ये सारे ट्रेड बैरियर्स है वो क्या करेगी? उनके मेंबर कंट्रीज़ के लिए नहीं लगेंगे लेकिन नॉन मेंबर कंट्रीज के लिए लगेंगे सो so, क्या हो रहा है नॉन मेंबर कंट्रीज़ कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो रही है बिजनेस करने के लिए सो सम नेशंस फ्रॉम ट्रेडिंग ग्रुप्स फॉर प्रिफ्रेंशियल अरेंजमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड अमॉन्ट दैम इम्पोर्ट फ्रॉम मेंबर कंट्रीज आर गिवन प्रेफरेंसेस मेंबर कंट्रीज़ के पास से जो भी बिजनेस होता है उसे प्रेफरेंस दिया जाएगा वेर एज दोज फ्रॉम अदर कंट्रीज़ आर सब्जेक्ट टू वेर टैरिफ एंड अदर रेगुलेशन जैसे हम कहें काफ़ी सारे ट्रेडिंग ब्लॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे हमारा इंडिया मेंबर नहीं है तो अभी क्या हो रहा है वो ट्रेडिंग ब्लॉक्स के जो मेंबर कंट्रीज़ है उस पर उन लोगों के लिए कोई टैरिफ नहीं लगता ठीक है कोई ट्रेड बैरियर वहाँ पे नहीं है तो वो लोग तो मोटिवेट हो जाते हैं बिज़नेस करने के लिए जबकि हमारा इंडिया नॉन मेंबर है तो हमारे लिए तो लगे गए ट्रेड बैरियर्स तो हमारे बिजनेस मैन नहीं चाहेंगे फिर एक्सपोर्ट करना सो so, ये एक नॉन टेरिफ बैरियर है नाउ नेक्स्ट वन इज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन ठीक है जब भी अभी कंट्री आउटसाइड कंट्री बिजनेस हो रहा है ओवरसीज मार्केट में बिजनेस हो रहा है सो ट्रांजेक्शन फॉरेन करेंसी में होने वाला है ठीक है सो उस फॉरेन करेंसी के लिए भी काफ़ी सारे रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं बिजनेसिस को सो द इम्पोर्टर हैज़ टू एंश्योर दैट द एडिकुएट फॉरन एक्सचेंज इज अवेलेबल फॉर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स बाय ऑप्टेनिंग अ क्लियरेंस फ्रॉम एक्सचेंज कंट्रोल अथॉरिटीज प्रायर टू द कंक्लूडिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द सप्लायर ठीक है और भी एक चीज़ हमने देखी थी कि एक्सपोर्टर को भी डिक्लेरेशन uh, देना पड़ता है आर बी आई को कि वो जो भी एक्सपोर्ट कर रहा है उसके पैसे uh, उसका सेल प्रोसेस विद इन वन एटी डेज आ जाएगा सो so, ये भी काफ़ी सारे रेगुलेशन्स हैं जो एक्सपोर्टर्स को क्या करते हैं डीमोटिवेट करते हैं थोड़ा ना नेक्स्ट इज नॉन टैरिफ बैरियर्स अदर नॉन टैरिफ बैरियर्स देर आर ए नंबर ऑफ अदर नॉन टेरिफ बैरियर सच इज हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स रेगुलेशन टेक्निकल फॉर्मेलिटीज इनवायरमेंटल रेगुलेशन एम्बरगोस एक्सेट्रा एम्बरगोस एक्सेट्रा अभी इसका मतलब क्या होता है कि सीधे सीधा ऑर्डर ही दे दिया जाएगा ऑफिशियल ऑर्डर कि भाई इस प्रोडक्ट का इंपोर्ट स्टॉप कर देना है ठीक है इस प्रोडक्ट का अभी इंपोर्ट नहीं होगा सीधे सीधा ऑफिशियल ऑर्डर ही दे दिया सो so, ये भी एक चीज़ की जाएगी अदर नॉन टेरिफ बैरियर्स में हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस लगाएंगे ठीक है जैसे हमने फार्मास्यूटिकल uh, प्रोडक्ट्स में देखे थे कि वो प्रोडक्ट स्टैंडर्ड से मैच नहीं हो रहा है तो भाई नहीं ले सकते वो इंपोर्टिंग कंट्री नहीं लेगी प्रोडक्ट टेक्निकल फॉर्मेलिटीज़ हो सकती है एनवायरमेंटल रेगुलेशंस भी हो सकते हैं सो so, ये काफ़ी सारे है जो नॉन टेरिफ बैरियर्स लगेंगे सो so, यहाँ पे हमने पढ़े ट्रेड बैरियर्स के बारे में डिटेल में पढ़ा ठीक है व्हाट इज़ टेरिफ बैरियर्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स नाउ अभी नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर जो है डिस्टिंग्विश इन दोनों के बीच का टेरिप बैरियर्स वर्सेज नॉन टैरिप बैरियर्स ये नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में दैट इज़ लेक्चर नंबर टू में सो so मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स बाय एवरी वन